हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल SMII पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक भी सुजेस्ट करते रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के स्टॉक के बारे में, और ICICI सिक्योरिटीज़ इस पर नए टारगेट भी सुजेस्ट कर रहे हैं। इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इस कंपनी के सारे पैरामीटर्स एक एक करके हम चेक करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो ICICI सिक्योरिटीज़ टाटा कम्युनिकेशंस पे बहुत ही बुलिश दिख रहे हैं और बाई कॉल दे रहे हैं विद द टारगेट लेवल ऑफ ₹1671। एंड दोस्तों, जो टाइम पीरियड गिवन बाय द एनालिस्ट इज़ 1 ईयर व्हेन द स्टॉक कैन रीच द डिफाइंड टारगेट। तो आप देख सकते हो इस साल के लिए इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा रहा है। ये जो कंपनी है, दिस इज़ ए मिड कैप कंपनी एंड इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1986 एंड इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ₹38,460 करोड़ नियरली एंड इट इज़ ऑपरेटिंग इन द टेली कम्युनिकेशन सेक्टर। ये जो कंपनी है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करती है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल जान लेते हैं। सबसे पहले क्वार्टर फोर के रिजल्ट चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो इस कंपनी की जो टोटल इनकम इन द क्वार्टर फोर है वो दैट वॉज 4,130 करोड़ एंड इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 2.37% फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ 4,231 करोड़। एंड द टोटल इनकम हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 6.86% फ्रॉम द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ 4,435 करोड़। तो आप देख सकते हो इस कंपनी की जो है टोटल इनकम वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रिड्यूस हो रही है और इस कंपनी की जो इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी मार्जिनली रिड्यूस हो रही है। एंड दिस कंपनी हैज़ आल्सो रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹298 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। तो आप ये भी देख सकते हो इस कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर ने में बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मुनाफा भी कमाया हुआ है। अब हम इसका इन्वेस्टमेंट रैशनल जान लेते हैं। द एनालिसिस शोज दैट द टाटा कम्युनिकेशन दैट इज टी कॉम्स GDS मार्जिन हैव हेडरूम टू ग्रो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेवल्स अनलाइक द इन्वेस्टर्स फियर ऑफ अनसस्टेनेबल मार्जिन एक्सपेंशन। तो आप देख सकते हो इस कंपनी के जो मार्जिन है दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। Therefore, it has updated the model for the annual report and increased the EPS by 3% each for the financial year 22E and financial year 23E. तो इस कंपनी ने आने वाले टाइम में अपनी EPS ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज कर दी है एंड इट्स टारगेट प्राइस इज नाउ 6171 फ्रॉम 1461 अर्लियर। तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इसके आने वाले टाइम में दोस्तों देखी जा रही है। अब हम इस कंपनी का जो है चार्ट पैटर्न उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले एक दिन में आप देख सकते हो इस स्टॉक ने 3.39% रैली शो की हुई है। ये जो स्टॉक है 1374 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। अब हम इसका 5 दिन का पैटर्न देख लेते हैं। तो 5 दिन का पैटर्न भी बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है, लीनियरली अपवर्ड ट्रेंड जो है वो शो कर रहा है। और लास्ट 5 डेज़ में इस स्टॉक ने 6.10% की रैली जो है वो शो की हुई है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में देखा जा सकता है। यदि हम इसका सपोर्ट लेवल ढूंढें तो आपका देख सकते हो 1280 पे इसका जो है सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है, लोअर लेवल। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसकी एक मंथ की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो लास्ट एक मंथ में इस स्टॉक ने 12.28% की रैली शो की हुई है, बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम शो किया हुआ है। एंड इसका जो लोअर लेवल में हमने पहले आपको बताया 1280 पे निकल कर आ रहा है। अब हम इसका 6 मंथ का पैटर्न देखेंगे तो वॉलेटाइल निकल कर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो इसके रिटर्न्स हैं दे आर क्वाइट पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो लास्ट 6 मंथ में इस स्टॉक ने 27.93% की रैली शो की हुई है। यदि हम इसका लोअर सपोर्ट लेवल ढूंढें तो 1000 के अराउंड बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल इसका निकल कर आ रहा है और इसने 2 बार कंटिन्यूसली इस लेवल के अराउंड ही सपोर्ट जो है वो बनाया हुआ है। अब हम इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने 120% की रैली शो की हुई है और आप देख सकते हो इसका जो चार्ट पैटर्न लीनियर अप ट्रेंड शो कर रहा है। छोटी छोटी करेक्शन होने के बाद ये जो स्टॉक है वो रैली कर जाता है और ये जो है रिकवर कर जाता है। अब हम इसके लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस 186% की रैली जो है वो शो कर रही है। पहले ये जो स्टॉक था वो एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, 2020 में इसने अपना लो भी बनाया था, लेकिन उसके बाद ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली रैली जो है वो शो कर रहा है। यदि हम इसका मैक्सिमम पैटर्न देखें तो वो 423% के अराउंड जो है रिटर्न्स वो निकल कर आ रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं।
पहले ये जो स्टॉक था ये वॉलेटाइल नेचर शो कर रहा था, वी शेप पैटर्न शो कर रहा था, पहले अप ट्रेंड होता था फिर ये जो कंसोलिडेट हो जाता था, लेकिन 2020 के बाद इसने कंटिन्यूसली अप ट्रेंड अपना मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही ब्यूलिश पैटर्न इस कंपनी का निकल कर आ रहा है और बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड शो कर रहा है। अब हम इस कंपनी के थोड़ी और डिटेल जानेंगे, पहले इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह की स्टॉक की परफॉर्मेंस वो निकल कर आ रही है। सो आप देख सकते हो दिस इज़ ए स्टॉक विद मिड रेंज परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हो दिस इज़ अ स्टॉक विद मीडियम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद एवरेज प्राइस मोमेंटम एंड वैल्यूएशंस, तो इसकी वैल्यूएशन भी एवरेज है एंड इसका जो मोमेंटम है प्राइस का वो भी एवरेज निकल कर आ रहा है, एंड दिस स्टॉक इज़ क्वाइट अफोर्डेबल एंड शोइंग द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। तो यदि हम इसका मोमेंटम देखें तो इट इज़ शोइंग द ब्यूलिश मोमेंटम, आप देख सकते हो दिस इज़ ट्रेडिंग अबाव द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस एंड इट इज़ 126% अवे फ्रॉम द 52-week लो एंड इट इज़ ओनली 2.63% अवे फ्रॉम द 52-week हाई एंड इट इज़ आउट परफॉर्मर, इट हैज़ गिवन 19.3% रिटर्न इन द लास्ट 1 month अगेंस्ट द निफ्टी 50 रिटर्न ऑफ 1.05%। तो आप देख सकते हो लास्ट 1 month में इस स्टॉक में बहुत ही ब्यूलिश ट्रेंड निकल कर आ रहा है। द स्टॉक सॉ 2 number ऑफ द लार्ज डील्स टूडे, तो इसमें 2 बड़ी डील्स भी निकल कर आ रही हैं, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। यदि हम इसके फाइनेंशियल देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 3-year CAGR ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाई 0.4%, नेट प्रॉफिट इज नील बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न दैट इज़ 20.9% CAGR ग्रोथ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ निकल कर आ रही है। अब हम इस कंपनी की प्राइस की परफॉर्मेंस देखेंगे तो प्राइस का परफॉर्मेंस का चार्ट बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है, जैसे हमने पहले भी आपको चार्ट में बताया 1 week में 5.48%, 1 month में 19.30%, 3 month में 22.35%, year till date में 23.67%, 1 year में 119% एंड 3 year में आप देख सकते हो 128% के रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। जहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो जितना टाइम लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप होल्ड करोगे उतने ही बेटर रिटर्न्स आपको मिलेंगे, 1 week से लेके 3 साल तक इसने कंटिन्यूसली पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हुए हैं। जैसे जैसे आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ता जाएगा इस स्टॉक का ऐसे वैसे आपके रिटर्न जो है वो बढ़ते जाएंगे। अब हम इसका वॉल्यूम का एनालिसिस करेंगे, पहले कल की क्वांटिटी देख लेते हैं। येस्टरडे आप देख सकते हो क्वांटिटी ट्रेडेड बाद 4 lakh एंड द डिलीवरी इज 2 lakh, तो आप देख सकते हो नियरली 54.39% की डिलीवरी उठाई जा रही है। यदि 1 week का एवरेज डाटा देखें तो 49.00% की डिलीवरी उठाई जा रही है, 1 month का एवरेज देखें तो 47.66% की डिलीवरी इस स्टॉक में उठाई जा रही है। अब हम इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करेंगे, देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह की निकल कर आ रही है, ग्रोथ किस तरह की निकल कर आ रही है। सबसे पहले इसका क्वार्टरली डाटा जो है वो हम चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो हमारे पास जो डाटा है दैट इज़ फ्रॉम मार्च 2020 टू मार्च 2020 तक का डाटा अवेलेबल है। पहले हम रेवेन्यू चेक करेंगे, तो मार्च 2020 में 4,397 करोड़ था इसका जो रेवेन्यू एंड मार्च 2021 में 4,073 करोड़ हो गया है, यहाँ पे थोड़ी सी रिडक्शन देखने को मिल रही है। इन ओवरऑल आप देख सकते हो इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंट है और इस कंपनी ने जो अपना रेवेन्यू है कंटिन्यूसली जीरो ऑन जीरो बेसिस पे 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया इसका पैटर्न निकल कर आ रहा है, पॉजिटिव रिटर्न जो है वो निकल कर आ रही हैं। यदि हम इसका नेट प्रॉफिट का डाटा लॉन्ग टर्म का देखें तो पहले ये नेगेटिव था, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मार्च 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज -271 करोड़ और आप देख सकते हो ये मार्च 2021 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के 298 करोड़ हो गया है, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहा है और इस कंपनी के मार्जिनस भी इम्प्रूव हो रहे हैं। यदि हम रेवेन्यू का जीरो ऑन जीरो बेसिस का डाटा देखें तो ये भी कंसिस्टेंट निकल कर आ रहा है, आप देख सकते हो ये 2017 से लेके 18, 19, 20 एंड 21 और कंटिन्यूसली इसने बहुत ही कंसिस्टेंट जो है रेवेन्यू जो है वो प्रोड्यूस किया हुआ है। यहाँ पे ग्रोथ तो नहीं दिख रही है लेकिन रिडक्शन भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। यदि हम नेट प्रॉफिट का डाटा देखें तो वो भी पॉजिटिव अप ट्रेंड शो कर रहा है, नेट प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हो 2017 में इसका जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज -766 करोड़ और 2021 में ये बढ़ के 1,253 करोड़ हो गया है, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एंड में दोस्तों यदि हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स दैट इज अ टाटा ग्रुप इज होल्डिंग 58.86% ऑफ होल्डिंग,
द एफ आई आईज आर होल्डिंग 24.4% ऑफ होल्डिंग, डी आई आईज आर होल्डिंग 7.52% ऑफ होल्डिंग, पब्लिक इज होल्डिंग 9.22% ऑफ होल्डिंग। आप देख सकते हो बहुत ही मिक्स डाटा इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है। यदि हम इसका ट्रेंड देखें तो प्रमोटर्स के पास अपनी इन्होंने अपनी जो है शेयर होल्डिंग रिड्यूस कर दी है फ्रॉम मार्च 2020 टू मार्च 2021। और दोस्तों यदि हम एफ आई आईज का डाटा देखें तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव एफ ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मार्च 2020 में ये जो एफ आई आईज थे देवर होल्डिंग 17.48% ऑफ होल्डिंग, मार्च 2021 में उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा के 24.4% कर दी है। बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डी आई आईज का डाटा देखें तो यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और उन्होंने भी अपनी शेयर होल्डिंग इस स्टॉक में बढ़ा दी है। यदि दोस्तों हम पब्लिक का डाटा देखें तो वो भी थोड़ा अप ट्रेंड शो कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक ऑफलोड किया हुआ है, जो पब्लिक है, डी आई आईज हैं, एफ आई आईज हैं, उन्होंने अपना माल उठाया हुआ है इस स्टॉक में। तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड है ये। एंड में दोस्तों हम आपको यही कहना चाहते हैं, ये जो टाटा ग्रुप का स्टॉक है बहुत ही बढ़िया ग्रुप को बिलोंग करता है और इसमें सारे जो पैरामीटर्स हैं ये पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। अब इस लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया बुलिश मोमेंटम बन रहा है। आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। इस कंपनी के अब मार्जिन भी बढ़ रहे हैं और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है, इसलिए आप इस स्टॉक को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाई करते रहें। जैसे ही इसमें करेक्शन आती है तो इसको बाई करते रहें। तो 1 साल का टारगेट आप लेके चल सकते हो, हमने बताया हुआ है 1650 के अराउंड, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप इसमें बना सकते हो। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए भी ये जो स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक निकल कर आ रहा है, शेयर होल्डिंग भी बहुत ही मिक्स निकल कर आ रही है। एफ आई आईज, डी आई आईज और पब्लिक इसमें कंटिन्यूसली अपना पैसा जो है वो लगा रहे हैं, अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो एंड में दोस्तों हम आपका थैंक्स कहते हैं, आपने हमारे को टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना। आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। थैंक्स अगेन, वी विल मीट यू विद ए न्यू वीडियो।